बिना राय को मेरे चिंतन से कोई नहीं। सभा की शुरुआत करते हैं। कभी मेरे मित्र ने आके कहा या आचरी के तेंदुलकर बनेंगे, मगर मैं कहता हूं आप अपनी जबान को पतली करो, ये आचरी में विराट कोहली। क्योंकि तेंदुलकर का नाम टूट गया तो अब जैसे बनाया है हम उस बात करेंगे, ये आचरी में हमारे हिंदुस्तान का विराट कोहली होगा, उसे 50 सेंचुरी मारी है, तो 50 से ज्यादा कोई प्लेटफॉर्म में पहुंचने का, उसी तरीके से मैं भी उनके साथ रह के उनका भी प्रोत्साहन बढ़ा। जितने भी कंट्रीज़ में हम अभी गए हैं और जितने मैचेस खेले हैं उसमें तकलीफ तो ऐसे कुछ थी नहीं, बट जो हमारे जो मैचेस के बीच में जो तकलीफ थी, बाकी रहने वगैरह की तो नहीं थी, बट जो हमारे मैचेस के बीच में थी और हमारे वेदर कंडीशंस थे, हमारे आर्चरी में वेदर कंडीशंस हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और वेदर कंडीशंस अच्छे ना होने के कारण हमें बहुत मुश्किल होती है कम्पीट करने में, बट हमारे कोचेस और हमारी पूरी सपोर्टिंग टीम हमारे साथ थी जिन्होंने इस सब चीज़ों को हमारे जो भी इनसे लड़ना हमें सिखाया, पहले से हमें प्रिपेयर किया था, जिस वजह से हमें एक प्लस पॉइंट मिला और उसी के कारण हमें आज इंडिया के लिए हमने आज इतने मेडल्स लिए। मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कोई भी स्पोर्ट्स जो आप स्पोर्ट्स में जाना चाहे आप वो स्पोर्ट्स करिए, ऐसा कोई स्पोर्ट्स छोटा या बड़ा नहीं है, सभी स्पोर्ट्स इक्वल है, बट जब भी आप जो भी स्पोर्ट्स करोगे उसमें बस यही सोचना है कि हम हमारे लिए नहीं, हम भारत के लिए खेलेंगे, और एक बार आपने जब ये अचीव कर दिया तो आपका भी स्पोर्ट्स रिकग्नाइज होगा। देश के युवा खिलाड़ियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि पैसे के पीछे ना भाग कर आपके अंदर में जो गुण है जिस स्पोर्ट्स के, आप उसमें हिस्सा लीजिए और आगे बढ़िए, और निजी मेडल के बजाय आप देश और टीम के लिए खेलिए।